हेलो एवरी वन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर चैनल पनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एंड आई एम पीयूष। तो आई होप कि आप सारे हेल्दी हो, अच्छे हो, आपकी पढ़ाई बढ़िया से चल रही है। एंड आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2019 के ऊपर, जो कि आपका सबसे पहला एग्जामिनेशन होगा। अगर आपकी जैसे ही आपके एग्जामिनेशन होने शुरू होंगे ना, जब आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के, तो आपका उसमें पहला एग्जामिनेशन जो एसएससी कंडक्ट कराएगी वो होगा एसएससी सीएचएसएल 2019 का। जैसा कि आपने देखा, 3 दिन का एग्ज़ाम हो गया था, 17th, 18th और 19th मार्च को आपका एग्ज़ाम हो गया था। इसके बाद क्या हुआ, ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक ये आपका पोस्ट फोन कर दिया गया। तो अब यही आपका एग्जाम सबसे पहले होने वाला है, कई सारे बच्चे इसका फॉर्म भी डाल चुके हैं। तो देखते हैं हम इसके बारे में आज क्या क्या देखने वाले हैं। हम इसमें देखेंगे कि हमारा क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, मतलब मेनली हमें क्या पढ़ना चाहिए। हमें ये देखो, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ना ओनली हार्डवर्क सफिशियंट नहीं है, ये आपको पता ही है। आज के टाइम पर हमें हार्डवर्क के साथ क्या करना होता है, स्मार्ट वर्क। ये नहीं है कि आपका सिलेबस कुछ है, आप पढ़े जा रहे हो कुछ, मतलब सिलेबस आपका यहाँ है और आप पढ़े जा रहे हो यहाँ पर इतना सारा, ये पढ़े जा रहे हो तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। हमें बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं बुक लिस्ट की बात करूँगा कि आपको क्या क्या बुक्स से रेफरेंस लेना चाहिए, क्या बुक्स की आपकी हेल्प हो सकती है, ठीक है। और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, सबसे बड़ी बात भाई, दुनिया जान की चीज़ें हैं आपके पास इस टाइम पे। कहीं के मॉक टेस्ट हैं, यहाँ के वहाँ के मॉक टेस्ट हो गए, ये हो गया वो हो गया, यहाँ से कोई बोल रहा है यहाँ से प्रैक्टिस करो, कोई बोल रहा है वहाँ से प्रैक्टिस करो। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही है कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आपका मोटिवेशन कि भैया लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, एग्ज़ाम का तो कुछ अता पता है नहीं, तो हमें यहाँ से मोटिवेशन कैसे मिले पढ़ने के लिए, तो ये मोटिवेशन पे तो मैं ज़रा आपका थोड़ा बात करने वाला हूँ इसके बारे में कि आपको मोटिवेशन भाई क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको ज़रा हटाता हूँ, देखते हैं हम धीरे धीरे क्या क्या हमारी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो समझेंगे कि हमारा एक्सपेक्टेड टाइम क्या है एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो देखो अभी हमारा चल रहा है क्या, मई, लेट से आज के दिन हमारी 22nd of May हो गई है। और जैसा कि आपने नोटिस देख ही लिया होगा एसएससी का कि एसएससी क्या करेगा, अभी आपने देख ही लिया है कि 1 जून तक तो आपका, मतलब 31st of May तक का, ठीक है, 31st of May तक तो आपका लॉकडाउन है। फिर क्या होगा, 1 जून को आपको एसएससी बता देगी, डेट्स वगैरह डिक्लेयर कर दी जाएंगी इसके बाद कि आपका कब क्या एग्जामिनेशन होना है। तो आई थिंक ये आपका ये एग्जामिनेशन बेसिकली 60 to 70 days में ना कंडक्ट हो जाएगा, कैसे भी करके। 60 to 70 days तो मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड बता रहा हूँ, क्योंकि अगर 1 जून तक भी इन्होंने चीज़ों को ठीक कर लिया, अपना समझ लिया, क्योंकि क्या है कि सीबीएसई का एग्जामिनेशन भी होने वाला है जून में, आप देख ही रहे हो, तो उन्होंने तरीका ढूंढ लिया कि हमें कैसे एग्जामिनेशन करवाना है। फिर आपका जेई का भी हो गया, आईआईटी मेंस का, है ना, तो वो सारे एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि ऐसे से भी कोई तरीका निकाल ले कि हम कैसे दूर दूर रख के बच्चों को एक ठीक तरीके से एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा लें, ठीक है। तो वैसे अभी इतना जल्दी भी पॉसिबल नहीं है कि आपका 20 से 30 days में हो जाए, तो एक 60 से 70 days तो लग जाएंगे, ठीक है। हमारे पास अभी आराम से 60 to 70 days हैं। पता आप भी देखो, आपने आप पता नहीं अभी तक आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, इससे कोई अब फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ बच्चों ने पहले पढ़ाई करी होगी बहुत ज़्यादा, वो अभी बैठ गए होंगे लॉकडाउन की टेंशन लेके। दूसरी बात, कुछ बच्चे मतलब धीमे धीमे करते जा रहे हैं, तो बढ़िया है अगर आप धीमे धीमे भी कर रहे थे अभी तक, लेकिन अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा बूस्ट अप करना है। क्योंकि अगर आपको अभी जॉब लेनी है इस टाइम पे, आप देख रहे हो कितनी क्रिटिकल कंडीशन आ चुकी है, इस टाइम पे अगर आप जॉब ले लेते हो, सिक्योर कर लेते हो, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और बिल्कुल कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होने वाला है, मैं आपको बता दे रहा हूँ ये बात, ठीक है। इसके बाद जो भी कॉम्पिटिशन आएगा ना आपका न्यू फॉर्म, वो बिल्कुल कट थ्रोट होगा। इसमें तो जो भी है फॉर्म वगैरह भर गए हैं, ठीक है, लेकिन इसके बाद में आपका जो भी एग्जामिनेशन होगा एकदम, मतलब उसमें कोई आपका ऑप्शन ही नहीं है ना। प्राइवेट जॉब सब आपकी रह नहीं रही हैं, और गवर्नमेंट जॉब में ही आपके सारे बच्चे आएंगे फिर, तो यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन इससे हमें डरना नहीं है, हमें क्या करना है, बस मेन मुद्दा है कि हमें मेहनत करनी है। आपको मैं बताता हूँ, एक स्टोरी शेयर करूँगा थोड़ी छोटी सी ही, अभी रिसेंट के ही टाइम में एक दो तीन आपकी मुझे चीज़ें निकल के आई हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिसमें कोई ग्रेट पर्सन, बहुत बड़े पर्सन की कोई मैं स्टोरी नहीं बताऊँगा, बस दो तीन छोटी मोटी स्टोरीज़ हैं वो आपसे बताऊँगा। फिर आप सोचना उसमें कि आपको क्या समझ में आता है उन चीज़ों से, ठीक है। तो चलो फिर अपना क्या है देखते हैं क्या क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि हमारा टारगेट क्या सेट करना चाहिए हमें, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए सबसे पहली बात कि वो 180 प्लस मार्क्स का होना चाहिए टारगेट, तब जाके आपके कहीं ना कहीं 170 से लेके 175 के बीच में मार्क्स आएंगे। बात की गहराई समझ पा रहे हैं, जब आपका टारगेट होगा 180 प्लस मार्क्स का, तब जाके आपके 170 से 175 मार्क्स आएंगे। और मैं जो यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी शेयर करूँगा वो होगी आपकी 170 से लेके 175 प्लस मार्क्स तक की, ठीक है। तो आपके इतने मार्क्स तो इजीली आ सकते हैं, लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे ना, तो 180 प्लस मार्क्स भी लाना कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे लेके आते हैं, ऐसा नहीं है कि ना आते हो मार्क्स, है ना। तो ये सब अपने दिमाग में मत बैठाया करो कि सर कैसे करेंगे क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास में ना आपको थोड़ा स्मार्ट अप्रोच अपनानी ही पड़ेगी आज के टाइम पर। आप स्मार्ट अप्रोच लेते नहीं हो, फिर बोलते कि सर इसमें मेरे 130 मार्क्स आ रहे हैं, 120 से ज़्यादा मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे, इससे ज़्यादा मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे।
तो अभी मैं आपसे इन सारे चीज़ों पर बात करता हूँ, हटाता हूँ इसको। हमारा तो हमारा बेसिकली टारगेट कितना होना चाहिए, 180 प्लस मार्क्स का, तब जाके हम कहीं ना कहीं 170 प्लस 175 प्लस पे सेटल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होना चाहिए आपका मेन टारगेट। और टारगेट का मतलब ये है कि फिर चाहे आप दिन में सो रहे हो, चाहे रात में सो रहे हो, चाहे कभी कुछ भी कर रहे हो, आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि मेरा अगला एग्जामिनेशन CHSL का है और वो मुझे पास करना है। आई बात समझ में? करना है। चलो इसे हटाता हूँ, अब देखें क्या क्या हमारा होने वाला है। मैं यहाँ पे आपसे 70 डेज़ की बात करूँगा, आपका बेसिकली 60-70 डेज़ का होगा। तो मैं यहाँ पे आपका क्या करने वाला हूँ, 70 डेज़ का पूरा ब्रेकअप करके दिखाऊंगा कि हमें कैसे कैसे चीज़ों करना है। ये आपका ब्रेकअप कैसे होगा, 30 डेज़ का होगा, फिर अगले 20 डेज़ की स्ट्रेटेजी होगी, फिर 10 डेज़ की, फिर 10 डेज़ की। हम इन चार स्टेप्स में जो है अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसे आपने देखा ना, लॉकडाउन के चार चरण, 4 स्टेप्स में आपका लॉकडाउन आया है। पहला लॉकडाउन आया, फिर फर्स्ट 1.0, 2.0, 3.0, अभी 4.0 चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे ही हम क्या कर रहे होंगे, अपना 70 डेज़ का जो है ब्रेकअप बनाएंगे। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं क्या आने वाले हैं। तो देखो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखो सबसे ज़्यादा आपका मेन जो बात है ना, आपको पढ़ना है और उसके साथ आपका जो रेलेवेंट कंटेंट है ना, आपको उसके साथ पढ़ना है। रेलेवेंसी आपको मेंटेन करके रखनी है, तभी आपका कोई भी एग्ज़ाम जो है क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। फिर आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या आपके आवर्स होने चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले मैं ज़रा आपको सब्जेक्ट वाइज थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। जैसे आपका मैथमेटिक्स हो गया, तो मैथमेटिक्स में हमारा टारगेट क्या होगा कि हमें 45 प्लस मार्क्स जो है सिक्योर करने हैं। अब ये कैसे होंगे, तो सबसे पहली बात, मैं अभी यहाँ पे ना, हमारे पास दो टाइप के बच्चे हैं। पहले बच्चे हैं जिनका सारा कुछ जो है सिलेबस वो पढ़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी टाइम से क्या किया है, प्रैक्टिस नहीं की है, या फिर इधर उधर के दुनिया जहान के मॉक दे डाले हैं और उनके मार्क्स आ गए हैं भाई 120 से लेके 130 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें क्या ना करें, ठीक है। तो ये वाले जो बच्चे हैं, आप सबसे पहले अगर आपने अभी तक SSC CGL जो आपका अभी कंडक्ट हुआ था ना मार्च 2020 में, SSC CGL 2019 वाला, ये आपका मार्च 2020 में कंडक्ट हुआ था, ठीक है। तो आपने इसके पेपर लगाए या नहीं लगाए, फटाफट से मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दो बेटा। अगर नहीं लगाए हैं ना, इसके कितने हैं टोटल, 18 सेट्स हैं, तो इन्हें जाके सबसे पहले लगा लो। आई बात समझ में? इनका आप मैथमेटिक्स का सेक्शन करोगे, रीजनिंग का सेक्शन करोगे, इंग्लिश का सेक्शन करोगे, और यहाँ तक कि उसका पूरा GK का करंट अफेयर का सेक्शन भी रट डालो। आई बात समझ में? क्योंकि 25 into 18 सेट्स आपके पास अवेलेबल हैं SSC की तरफ से, जो ऑफिशियल हैं पूरे। ये आप प्रैक्टिस करो ना, आप दुनिया जान के मौके दे रहे हो, ये दे रहे हो, वो दे रहे हो, क्या आपने ये 18 सेट कर लिए हैं? जब ये 18 सेट करोगे ना, आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि क्या है ना, इसका जो पेपर हुआ था, इसके 7 डेज़ के बाद ही आपका CHSL का पेपर था कि नहीं था, तो जो पेपर्स है ना CHSL के तैयार तो किए जा चुके थे। आपने 3 दिन का उसका एग्जामिनेशन हो गया CHSL का, तो आपने देखा भी होगा कि जो GK के क्वेश्चंस आपके CGL में आए हुए हैं ना पेपर में, वही क्वेश्चंस आपके 3 दिन में कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं, ठीक है। 3 दिन की जो शिफ्ट हुई थी ना आपकी, टोटल 9 शिफ्ट हो गई थी, उनमें कहीं ना कहीं CGL के 2-3 क्वेश्चन तो सीधे सीधे मतलब डिट्टो हमें देखने को मिले हैं। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, इन सारे 18 सेट्स को लगा डाल। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट करके पूछो, ये सब सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई। 18 सेट मैंने आपको यहाँ पे, आपको हमारे चैनल पे आपको सारे 18 सेट का फुल सॉल्यूशन करवा दिया गया है, क्या आपने देख लिया है वो सारा। मैथमेटिक्स का हो गया, मैथमेटिक्स का अलग करा रखा है, रीजनिंग का अलग करा रखा है, GK अलग हो गई, इंग्लिश अलग हो गई। तो आप इन सारी चीज़ों को सॉल्व करो, डेली एक एक पेपर ही लगाओ, ठीक है। तो अब देखो मैथमेटिक्स में हमारा जो ब्रेकअप होगा वो कैसा होने वाला है, एक बार बताता हूँ। मैंने आपको बताया 70 डेज़ मान लो या 60 डेज़ मान लो, इनका जो ब्रेकअप होगा वो खैर होगा ऐसा, आपका 30 डेज़ प्लस 20 डेज़ प्लस में हमारा 10 डेज़। 60 डेज़ की बात करता हूँ पहले। देखो 30 डेज़ में हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे CGL के आपको सारे पेपर लगा लेने हैं 18। इसके साथ में आपको जो भी, अब देखो 18 पेपर आपने लगा लिए, 18 सेट लगाए, इसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये सब्जेक्ट जो है कमज़ोर है। अगर आप ज्योमेट्री क्वेश्चंस लगाते टाइम बार बार अटकोगे ना, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मेरा ये जो ज्योमेट्री का सेक्शन है, मुझे ये सेक्शन नहीं आता है। तो बचे हुए 12 दिन में आप क्या करोगे, इंग्लिश का हो गया, मैथ्स का हो गया, रीजनिंग का हो गया, जो भी टॉपिक आपके वीक निकल के आए हैं उन सारे का बेसिक्स वगैरह पढ़ लोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद में आप क्या करना है, रीजनिंग के लिए बहुत से बच्चे पूछते हैं रीजनिंग के लिए क्या करना है। रीजनिंग के लिए आपको बस ये 18 सेट लगाने हैं, प्लस में 25 सेट आपके CHSL के 2018 वाले पेपर के ऑलरेडी हो रखे हैं, उन्हें जाके लगाओ ना। मतलब आपको क्या चाहिए ना कि सर ये समझ नहीं आ रहा कहाँ से लगाएं, कहाँ से लगाएं, कौन सा मॉक लगाएं। आप मुझे एक बात बताओ, ये 25 प्लस 18 है, ये क्या है, CGL के मॉक ही तो हैं। CGL ने जो आपको ऑलरेडी पूरे प्रिपेयर करके दे रखे हैं, ये आपने लगाए कि नहीं लगाए,
है भाई, फिर बोलते हो कि ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, मार्क्स नहीं बढ़ रहे, ये वो चीज़ें, मतलब पहले रेलेवेंट चीज़ लगानी नहीं है, दुनिया भर की चीज़ों के पीछे पड़ते हो। खैर थोड़ा सा भावनाओं में बह जाता हूँ। अब देखो ये क्या हुआ, हमारा टारगेट हो गया, अब ज़रा इसे हटा देता हूँ। 30 डेज़ में आपको बात समझ में, 30 डेज़ में करना क्या है आपको, सीजीएल के सारे 18 पेपर, और ये पेपर आपके नोटबुक में होने चाहिए सारे। जो क्वेश्चन आ रहा है वो तो बढ़िया। अब देखो पेपर करने का कुछ को तरीका ही नहीं पता है, मैं पहले थोड़ा सा आपको तरीका बता देता हूँ। मार्क्स ये 45+ ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, उसके पीछे बेटा काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, समझे। जैसे ये 18 सेट्स हैं ना आपके, क्या करना है आपको, आपने एक दिन में एक सेट लगा रहे हो पूरा, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ ज़्यादा लगाओ नहीं लगाओ, आपने पहला सेट लगाया, मैंने आपको सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। आपने देखा कि भाई इसको क्वेश्चन नहीं आया समझ में, आपने उसकी अप्रोच देखी, उसके बाद में आपको करना क्या है पता है, आपको उस क्वेश्चन को उठाना है और उस क्वेश्चन को लेके अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, विद क्वेश्चन करना है, और आप विद क्वेश्चन लिखो। टोटल 18 सेट्स ही तो है ना, एक दिन में आप क्या करोगे बैठ के, उस पूरे सेट को एनालाइज करो, जो भी नहीं आ रहा है उसको अपनी नोटबुक में लिखो, जो क्वेश्चन नहीं आया वो क्वेश्चन भी नोटबुक में लिखो, उसका सॉल्यूशन भी लिखो। आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया है, चैनल पर जाके देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सीजीएल के सारे पेपर करवा दिए गए, रीजनिंग मैथ्स और सारे हो गए हैं, तो उनका क्वेश्चन लिखो, सॉल्यूशन लिखो, उसकी अप्रोच क्या हो सकती थी, उसे डेली रिवाइज करो सुबह उठने के बाद। आई बस समझ में, इंग्लिश की वोकैब नहीं आ रही, इंग्लिश की वोकैब लिखो, मैंने आपको वोकैब सेशन अलग से प्रोवाइड किए हुए हैं हर पेपर के, आप उनसे वोकैब पढ़ो, ठीक है। तो ऐसे आपको पेपर को एनालाइज़ करना है, ये 18 डेज़ का आपका काम हो गया। इन 18 डेज़ में और आपको साथ के साथ करते क्या जाना है, कोई भी टॉपिक नहीं आया आपने उसको करने का तरीका देख लिया, क्वेश्चन भी नोट कर लिया, बढ़िया है, लेकिन उस टॉपिक का इसका मतलब है आपको उस टॉपिक का बेसिक भी नहीं आता है, तो आपको साथ के साथ उस टॉपिक का क्या करना है, बेसिक भी कंप्लीट करके रखना है। कहाँ से करेंगे, तो आपके जो बेसिक नोट्स हैं, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में नहीं पढ़ना है कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, ये एडवांस मैथ वो मैथ, पहले अपने नोट्स का कंप्लीट कर लो, इसके बाद आप आगे की चीज़ों को देखना, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये नोट्स से बात कर लेंगे, इसके बाद में आपका यहाँ से हो जाएगा बेसिक क्लियर। बात समझ में आ गई, ये 18 सेट हो गए, यहाँ से बेसिक करते करते आपका लेट से 18 सेट्स तो ये हैं, यहाँ से आप डेली बेसिक्स भी कर रहे हो, बचे हुए फिर जो 12 डेज़ होंगे ना 30 में से, इन 12 डेज़ में भी आपको अपना बेसिक ही मजबूत करना है, और जो एक बार आपने नोट्स उठाए हैं ना उन नोट्स पर ही रिलाई कर लो, क्योंकि कोई भी टीचर ख़राब नोट्स नहीं देता है, ठीक है। वो जो नोट्स देता है वो सारे अच्छे होते हैं, अगर आपके पास में कोई पर्टिकुलर नोट्स हैं भी नहीं ना, आपने कहीं भी कोचिंग नहीं ले रखी, कुछ नहीं ले रखा, कोई बात नहीं है, आपको ऑनलाइन इतनी सारी PDF प्रोवाइड किए, अगर आप बता देना मुझे, अगर आपके पास नोट्स नहीं है ना तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, ठीक है। आपको मैं नोट्स की PDF दिलवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, तो वहाँ से जाके आपको मैं कुछ नोट्स दे दूंगा, उन नोट्स से बस आपको रिवाइज़ करते जाना है आराम से, ठीक है। इसके बाद ये आपका हो गया 18 सेट्स हो गया, इनकी आपकी सारी ये बात खत्म हो गई। इसके बाद में आपको करना है 18+12 डेज़ का आपने इतना काम कर लिया, प्रीवियस ईयर की वोकैब, और हाँ इंग्लिश में अभी मैं आऊँगा तब बताऊँगा, ये आपकी कहानी थोड़ी सी मेनली मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे काम आपको कर लेने हैं, तो जब आप इतना सारा काम कर लोगे ना, तो पहली बात जो आपको यहाँ से रिज़ल्ट मिलेगा, वो रिज़ल्ट मिलेगा कि आपको यहाँ से पता चल जाएगा मैथमेटिक्स में कि हमारा कौन सा टॉपिक, अभी जैसे अलजेब्रा हो गया, अलजेब्रा में आपको पता चल जाएगा अलजेब्रा में कौन सा टाइप मेनली पूछा जा रहा है SSC में, बात समझ रहे हो। अलजेब्रा में अभी आपके टोटल ना 3 टाइप्स ही पूछे जा रहे हैं, जो बार 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 क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले साल भी वही देखने को मिले, इस साल भी वही देखने को मिले, तो आपको ये तैयार हो जाएगा, आप इसके उस टाइप की फॉर्मूलेस तैयार कर लोगे। दूसरी बात ज्योमेट्री में देख लो, ज्योमेट्री में आपका स्पेशल 2-3 टाइप है जो SSC में CGL के इस बार के पेपर में 18 सेट्स में कम से कम 6 से 7 बार रिपीट हुए हैं। जब आप कोई क्वेश्चन को करोगे ना, मैंने जो आपको सोल्यूशन कराए हैं उसमें देखोगे तो आपको अपने आप पता चलेगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में ज़्यादा कुछ आया ही नहीं है, बेसिक बेसिक चीज़ें आई हैं। इसके अलावा जो आप देखोगे कि परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में ओनली डिस्काउंट के ऊपर कुछ क्वेश्चन आए हैं, कौन से भाई MP वाले, तो आप उस टाइप के, जब आपको इन सारी चीज़ों का पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, तब जाके आप उन चीज़ों को प्रिपेयर कर पाओगे, इस तरीके से आपके 45+ आएंगे। ऐसे नहीं कि आपके पास में बहुत सारा मटेरियल है, आप सब में लगे पड़े हो, ये पता नहीं है क्या आता है क्या नहीं आता है, तो ये तो हो गया आपका 30 डेज़ का, आपको सब पता चल जाएगा क्या क्या टॉपिक आता है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसका बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा, आपका 30 डेज़ का टाइम पीरियड खत्म हो गया। ये आपका बड़ा ही क्रूशियल चीज़ है, यहाँ पे आप यहीं से आपका बेस बनेगा, ठीक है। ये 30 डेज़ आपके चले गए, अब आते हैं जो नेक्स्ट 20 डेज़ हैं। अब इन 20 डेज़ में आपको क्या करना है ना, इन 20 को लगाने हैं 25 सेट्स। 25 सेट्स कहाँ से लगाने हैं सर, कौन से, आप ये मॉक की बात कर रहे हो, कोई मॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 25 सेट हैं CHSL 2018 वाले, ये बस समझ में, इन्हें आप करोगे CHSL 2018 वाले जितने भी 25 सेट हैं। देखो जो 25 सेट्स हैं इसमें आपको क्या करना है, मैथ्स पढ़ ले, इनकी आपको मैथ्स पूरी सॉल्व कर लेनी है,
अगर आपके पास में कोई मॉक टेस्ट ले रखा है आपने तो उसमें आपको मिल जाएगा ये, ठीक है ना, एज अ पेपर ही मिल जाएगा। टाइम लिमिट के अंदर आप इन सारे पेपर्स को करना है, एज अ मॉक लेके ही चलना है ना, ठीक है। एज अ मॉक सॉल्व करेंगे सारे लोग ये पूरे के पूरे, जब आप 25 सेट लगा लोगे तो आपको पता चलेगा कि अब आप कहाँ स्टैंड हो रहे हो, क्या क्या चीज़ें हैं आपकी, फिर आपको वहाँ से क्या करना है अगले 10 डेज़ में। इन 20 डेज़ में आपको ये मॉक लगा लेने हैं। और हाँ, मॉक लगाने के साथ मैंने क्या समझाया है, मॉक लगाने का तरीका होता है, अगर आपने 1 घंटे का मॉक दिया है तो 2 घंटे बैठ के उसका एनालिसिस करो, और एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चन नहीं आया है उसको अपनी नोटबुक में नोट करो विद क्वेश्चन। ये ना थोड़ा सा हाथों को कष्ट देना पड़ेगा, आई बात समझ में, चुपचाप से उन्हें नोटबुक में आप नोट करोगे, उन क्वेश्चंस को डेली सुबह उठ के देखोगे। कोई भी वोकैब का क्वेश्चन हो गया, जीके का क्वेश्चन हो गया, स्टैटिक जीके का, करंट का तो हमारे कुछ काम का रहेगा नहीं 2018 वाले का, है ना, जीके का क्वेश्चन हो गया, इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया, वोकैब का हो गया, रूल हो गया कोई ग्रामर का, चाहे आपका मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन हो गया, नोट कर लेना नोटबुक में और उसे चुपचाप से डेली रिवाइज़ करना। इसके साथ साथ में जो 18 सेट पहले किए हैं सीजीएल के, वो तो आपको सारे ही रिवाइज़ करने हैं, आई बात समझ में। वो आपको पूरे जितने क्वेश्चंस आए हैं ना इसमें 18 सेट्स आए हैं इनटू में 100, यानी कि 1800 क्वेश्चंस आपको पूरे याद हो जाने चाहिए, मतलब याद नहीं हो जाने चाहिए, पूरे आपको आने चाहिए। बात को समझ पा रहे हो ना मेरी, चीज़ों को आप ग्रेस्प कर पा रहे हो क्या, ठीक है। मैं जो बात बता रहा हूँ ना वो आपको थोड़ी सी हो सकता है कहीं ना कहीं कड़वी लग रही है कि ये क्या बोल रहे हो सर, लिखने को बोल रहे हो आप तो हमसे, दुनिया में तो कोई नहीं बोलता कि लिखो ये सब करो, लेकिन आपको लिखना ही पड़ेगा। मैं भी इन चीज़ों से जा चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये सब आपको कर लेना है, तो 20 डेज़ में आपका ये सब काम खत्म हो गया, आपके CHSL के पेपर हो गए, CGL के हो गए, सारा रिवाइज़ कर लिया, बेसिक वगैरह आपको सब पता चल गया। अब अगला जो 10 डेज़ का टाइम पीरियड है, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इसमें करंट अफेयर्स पे। आई होप कि आपने इन डेज़ में क्या किया है, स्टैटिक जीके का सहारा देख के, जो अपना बेसिक चीज़ें थी स्टैटिक जीके की, जैसे आपको पता चल जाएगा इसमें देख के कि हिस्ट्री का जो पैटर्न है, हिस्ट्री में आपका एंशियंट से ज़्यादा आ रहा है, एंशियंट में भी जो किंग है साउथ इंडियन किंग्स हैं उनसे ज़्यादा आ रहा है, या फिर हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल हो गया उससे ज़्यादा आ रहा है, आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, आप वैसे कवर कर लोगे। अब देखो बाकी के जो बचे हुए आपके 10 डेज़ होंगे, बाकी बचे हुए 10 डेज़ में आपको क्या करना है जीके में, आपको यहाँ पर मेनली क्या करना है, आपको मैथमेटिक्स में सारा पता चल जाएगा, रीजनिंग में आपके वीक टॉपिक पता चल जाएंगे, और इंग्लिश में आपको वोकेबलरी करनी है। और वोकेबलरी मैं आता हूँ सारे सेक्शन पे आऊँगा, पहले ज़रा यहाँ पे थोड़ा मैथ्स का देख लेते हैं। अगले 10 डेज़ में आपको क्या करना है, मैथ्स में सारे आपके फॉर्मूले की जो नोट होगी या फिर जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए होंगे वो आपने लिखे हुए होंगे, उन वो नोटबुक आपको पूरी रिवाइज़ कर लेनी है, ठीक है, वो नोटबुक पूरी रिवाइज़ कर लेनी है, याद हो जानी चाहिए उसकी सारी चीज़ें आपको 10 डेज़ में। दूसरी बात, अब आप यहाँ पे मॉक दो आराम से, कोई भी आप किसी भी चीज़ का, आप किसी भी कंपनी का मॉक उठा लो और वो आराम से दे दो, ठीक है, तो आपको पूरा अंतर देखने को मिलेगा, आपके 45+ मार्क्स तो यहीं से आ जाएंगे। बात क्लियर होगी, ठीक है। ये बात है उन बच्चों की जिन्हें सारे बेसिक्स वगैरह, मतलब थोड़ी बस बेसिक वगैरह में दिक्कत है, मतलब एक बार वो कुछ चीज़ों को देख चुके हैं, ठीक है। अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला था पहले, पोस्टपोन हुआ है, तो आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। अब जिन्होंने बिल्कुल आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, 12th से बिल्कुल निकल के आए हैं, तो उनके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी की वीडियो अलग से, अब देखो इसके बाद क्या करूँगा ना, मैथमेटिक्स की एक वीडियो अलग से बना दूंगा हर टॉपिक को उठाते हुए, कि कौन से टॉपिक में से कौन सा वाला टाइप पूरा मैं बता दूंगा, कि कौन सा टाइप आपका आने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ों की वीडियो हम बना लेंगे बाद में, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया आपको कैसे कैसे करने का करना है मैथमेटिक्स का, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज़ें आप लिख लेना नोटबुक में, कैसे पेपर को सॉल्व करना है, और मॉक या फिर जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर हो करने का तरीका होता है ना समझो, ठीक है। चलो खैर, अब आते हैं अपने नेक्स्ट वाले सब्जेक्ट पे, क्या है हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग। तो देखो रीजनिंग की बात करने के लिए, रीजनिंग में आपको क्या करना है, बस जो आपके CGL के 18 सेट्स हैं आप वो लगा लो रीजनिंग में, ठीक है। इसके बाद में जो आपके 25 सेट्स हैं CHSL के वो लगा लो, ठीक है। और आपको करना क्या है, 18 सेट लगाओगे जैसा मैंने आपको मैथमेटिक्स में बताया, 18 सेट लगाने के टाइम पे आपको कोई भी टॉपिक नहीं आया, फटाफट से जाके आपको उसके लेक्चर देख लेने, जैसे कि आपको काउंटिंग फिगर, आपने जो जो टॉपिक हम बताए हुए हैं ना, तो अगर आप जाके हमारे चैनल पर देखोगे आप, तो एक तो पहले SSC CGL के सारे 18 सेट के क्या मिल जाएंगे, रीजनिंग के पेपर मिल जाएंगे, 20 मिनट्स का ही लेक्चर है, आप जाके उन्हें देख सकते हो, श्वेता मैम ने पढ़ाया हुआ है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, सो दैट आपका इन चीज़ों में क्या हो, टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी, इन सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएं। तो आपके छोटे छोटे से वीडियोज़ हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हो कोई भी डाउट आता है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, कोई भी बेसिक हुआ आप जाके देखो, वहाँ पे आपको हमारे चैनल पे रीजनिंग की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको कोई भी टॉपिक अगर बेसिक से नहीं आता है तो आप जाके वहाँ पे पूछ सकते हो, कमेंट करके हम बता सकते हो कि सर ये टॉपिक नहीं आया, ये डाउट आ रहा है, ये डाउट आ रहा है। आप जाके एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, कोई भी डाउट आता है आपका वहाँ पे आप हमसे पूछो, ठीक है।
ठीक है, आपको सब कुछ दे रखा है, सारी फैसिलिटीज़ हैं आपके पास में, तो आप जाके उन्हें जब जब आप ना इतने सारे सेट लगा लोगे 18+25 और उसके बाद में आप सारे बेसिक को भी कवर कर लोगे ना, तो आपकी रीजनिंग में आराम से 45 से लेकर 48 के बीच में मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रीजनिंग में, वो भी आपको रेलेवेंट सोर्सेज से करनी है और आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। और इसके बाद में जो मैंने आपको 10 डेज़ का टाइम बताया है ना, 10 डेज़ में आपको जो करना है मॉक टेस्ट वगैरह, जिस किसी भी चीज़ के आपको मॉक टेस्ट देने हैं, जिस किसी भी कंपनी के, वो आप दे लेना, ठीक है, कोई भी साइट से उठा के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको पहले ये कंप्लीट कर लेना है, सबसे पहले CGL की और उसके बाद 25 सेट्स ऑफ CHSL। और मैं क्या करूँगा, आपको अभी स्टार्टिंग के 30 डेज़ तो आप अभी CGL के क्वेश्चन पेपर्स को ही लगाओगे, ठीक है, वो जाके आप देख लेना, हमारे चैनल पर मिल ही जाएंगे आपको। और बाद में जो CHSL होगा ना, CHSL में हम आपको क्या करेंगे, 25 सेट्स ये सारे हम ही सॉल्व करा देंगे आपको लाइव क्लासेस के थ्रू, तो आप इन्हें ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कोई भी डाउट आता है वहाँ पे आपको डाउट पूरा पूरा पूछ लेना है तुरंत की तुरंत, और जो भी आपको लेट से कोई टॉपिक का बेसिक भी समझ में नहीं आया वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये बेसिक नहीं आया, अगर कुछ डाउट आया तो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप पूछ सकते हो, डिस्कशन का पूरा हमारा चैनल बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये सारी चीज़ें कर लेनी है रीजनिंग में आपको, बस इतना जब कर लोगे ना आप इतनी सारी चीज़ें, तो फिर इससे ज़्यादा कुछ आपका आएगा नहीं, ठीक है। लेट से आपका 25 पेपर हैं तो इसमें आपके 25 क्वेश्चन यानी कि 625 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाते हैं और अप्रॉक्स 450 क्वेश्चन यहाँ से, तो आपके 1000 से ऊपर क्वेश्चन की जो आप प्रैक्टिस कर लोगे ना रीजनिंग के अलग अलग, तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई मेरा रीजनिंग का सेक्शन तो क्लियर है और मैं 45 से 48 मार्क्स लेके आ जाऊँगा। और हाँ, रीजनिंग के सेक्शन को अटैम्प्ट करने का जो आपका टाइम पीरियड होना चाहिए आइडियल, वो होना चाहिए 15 मिनट्स का, आगे बस समझ में, 15 मिनट से ज़्यादा अगर आप टाइम लगा रहे हो रीजनिंग के ऊपर तो कोई मतलब ही नहीं है आपके कुछ करने का। 15 मिनट तो मैं वो बोल रहा हूँ, आइडियल भी नहीं है 15 मिनट तो, 15 मिनट तो तब है जब आप मतलब आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करी ही नहीं है, जब आपकी 18 सेट और 25 सेट की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना, ठीक है, जब आपकी 1000+ 1000 से ज़्यादा यानी कि 1000+ क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब जाके आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को अपने आप 10 मिनट्स में करके आ जाओगे, ठीक है। तो आइडियल टाइम है आपका 10 मिनट्स, लेकिन आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है कैसे भी, आगे बात समझ में क्लियर है। चलो इसे हटाता हूँ, अब देखो अगले पास अपना पास जो अगला होगा सेक्शन वो है इंग्लिश का। अब इंग्लिश के सेक्शन में मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। अच्छा, अब इंग्लिश के सेक्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहली बात कि आपका इसमें आता है एक तो ग्रामर का पोर्शन, ठीक है, और दूसरा आता है आपका वोकैब का पोर्शन। तो ये कैसे कैसे करना है, वोकैब के पोर्शन के लिए आपको सबसे पहले जो आपके लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हुए हैं, लास्ट 5 ईयर के सारे वोकैबुलरी आपको याद कर लेनी है आपके पास में स्टार्टिंग के जो 30 डेज़ का टाइम है। इसमें देखो आपको क्या क्या करना है, सबसे पहली बात आपको ये सारे जो आप पेपर्स लगाओगे उनके रूल्स वगैरह देख लेना, जो भी समझ लेना, और आपको मैंने पेपर कराया हुआ है वो जाके भी देख लेना, तो आपको रूल्स वगैरह सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। CGL के आपने 18 सेट लगा लिए, उसके साथ ही साथ आपको रूल्स देखने हैं, स्पेशली क्या करने हैं, रूल्स देखने हैं। मैं यहाँ पर अपने देखो, अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, मैंने आपको बताया अभी, ये आपका जो है जिन बच्चों ने पहले थोड़ा पढ़ रखा है उनके लिए है, तो आपको कॉमन एरर के रूल्स हैं जो 500 होंगे अप्रॉक्स, ठीक है, वो सारे आपको रूल्स कर लेने हैं। और वो आपको कहाँ से मिलेंगे, जो कॉमन एरर्स के क्वेश्चन हैं ना प्रीवियस ईयर के, आपको वो सारे लगाने हैं। और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको वो क्वेश्चन लेके आएं कॉमन एरर के, कुछ क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा रूल्स जिनके पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को वो करा पाएँ, ठीक है। तो यहाँ से तो आपका हो गया ये सारी कहानी, और ये 18+25 सेट जो आप करोगे इनकी सारी वोकैबुलरी, इनके सारे कॉमन एरर्स के रूल, इनके सारे इम्प्रूवमेंट, इनके सारे फिल इन द ब्लैंक्स, इनमें जो भी आपकी चीज़ें यूज़ हुई हैं वो सारी करनी है, लिख के रखनी है, याद करनी है, बात समझ लो बेटा। इसके बाद इसकी जरा मैं बुक लिस्ट बता देता हूँ, आप किन बुक से रेफ़र कर सकते हो। पहली जो आपकी बुक होगी ग्रामर सेक्शन के लिए वो होगी आपकी नीतू सिंह की बुक, ठीक है, नीतू सिंह मैम की जो बुक आती है आपकी प्लिंथ टू पैरामाउंट, या जो भी आपका नाम हो बुक का, पता नहीं मुझे आज के टाइम पे क्या नाम चल रहा है, पहले तो आपकी पैरामाउंट प्लिंथ टू पैरामाउंट नाम से आती थी, ठीक है। तो ये नीतू सिंह मैम की बुक है, आप उसे ज़रूर कर लेना एक बार पूरी इस बुक को। तो आपको 30 डेज़ का जो टाइम मैंने दिया है ना पहले के, इन 30 डेज़ में आपको यही काम करना है, डेली एक चैप्टर पढ़ो, ठीक है। 30 तो आपके टोटल चैप्टर भी नहीं है इसमें, आप डेली एक चैप्टर पढ़ेंगे आपको नीतू सिंह पूरी समझ में आ जाएगी। धीरे देखो पढ़ते जाना है, उसकी एक्सरसाइज करती जानी है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर मैं बताता हूँ आपको टाइम का एलोकेशन कैसे देना है। तो आपको नीतू सिंह कर लेनी है, दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि वोकैबुलरी कर लेना आप एस पी बख्शी से, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो है ना, और आपका सिनोनिम एंटोनिम है वो सारे कर लेना, और एस पी बख्शी से ये कर लोगे। इसके बाद में आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर की वोकैब होगी,
प्रीवियस ईयर की क्या होगी वो कैब होगी, या फिर ये मैं आपको सेशन कुछ कराने का अरेंज करता हूँ तो आपको वोकेबलरी वो वहाँ से कर लेनी है, बस इतना सा आप कर लो इंग्लिश में, आपका 45+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे, ठीक है। ईडियम्स एंड फ्रेजेज़ हो गए, वो भी आप एसपी बख्शी से कर लेंगे, नीतू सिंह के भी ईडियम्स एंड फ्रेजेज़ देख लेना, तो यहाँ से आपकी ईडियम एंड फ्रेजेज़ हो जाएंगे। फिर हम अभी जो है आपका इंग्लिश के सेक्शन के लिए, अगर जिन बच्चों की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है इसके लिए, फिर आपके लिए अलग से सेशन लेके आऊँगा, उसमें आप देख लेना हम कैसे कैसे चीज़ों को डील करें, हर एक चीज़ को मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूँगा आपको कैसे कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। ये आपकी चीज़ें होंगी क्लियर। और रीजनिंग में आपको कोई बुक की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना आपको, बस वो पूरे सेट लगाने हैं, 18 सेट आपके सीजीएल के, 25 सेट सीएचएसएल के, ये आपको इंग्लिश में भी करना है। और मैं बता रहा हूँ हर सेक्शन में जो क्वेश्चन नहीं आता है उस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है अपनी नोटबुक में और वो क्वेश्चन भी लिखना है, हाथों को थोड़ा सा कष्ट देने की ज़रूरत है, क्लियर है। हटा रहा हूँ इसको, अब देखो अपना जो फोर्थ सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन निकल के आता है। इस सेक्शन में आपको तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहली बात आपका हम तीन सेक्शन में इसको डिवाइड कर देते हैं, करंट अफेयर, दूसरा आपका स्टैटिक का पोर्शन हो जाएगा, स्टैटिक जीके का, और सबसे ज़्यादा जो आजकल वेटेज देखने को मिल रहा है वो हमें इन्हीं दोनों से देखने को मिल रहा है। फिर आपका थर्ड पोर्शन आ जाता है जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, लेट से हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, इको से तो आजकल क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, खैर कोई नहीं, पॉलिटी, और फिर आपका फिर जो पीसीएम है, ठीक है, पीसीएम यानी पीसीबी है ना, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। ये देखो आप अब कैसे कैसे करना है, इनको ध्यान से समझना। पहली बात करंट अफेयर्स की, तो पहले जो मैंने आपको बताया है ना सीजीएल के 18 सेट, बेटा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इन्हें का आप, इनका आप करंट अफेयर भी पढ़ोगे, इनका आप स्टैटिक भी पढ़ोगे, इनके जो 18 जो सेट हैं ना इनके आपको सारे 25 क्वेश्चंस रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए। और यही नहीं, इन क्वेश्चन पेपर्स के आसपास जो भी क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं, जो भी चीज़ें दी हुई हैं, वो सारी पता होनी चाहिए, वो टॉपिक जहाँ से आया है वो क्वेश्चन, वो टॉपिक आपको पूरा पढ़ लेना है। आगे बात समझ में, अगर जनरल अवेयरनेस में आपको पूरा अचीव करना है ना मार्क्स को, 35+ लेके आने हैं, 40 तक मार्क्स लेके आने हैं, तो आपको इतना काम करना ही पड़ेगा। सीजीएल ने आपको बिल्कुल रीसेंट ताज़ा जो पेपर हुआ था ना, वो 18 के 18 सेट आपको प्रोवाइड कर दिए, इससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ आपके लिए हो ही नहीं सकती है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र समझ लो। आगे बात समझ में, खैर इन 18 सेट के आपको सारा कुछ कर लेना है, स्टैटिक जीके कहाँ से आई है, हिस्ट्री कहाँ से आई है, वो सारे टॉपिक पढ़ लेने हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि आपको इन 18 सेट्स के जो भी टॉपिक वाइज बनते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, मैंने आपको हिस्ट्री पूरी कंप्लीट तो कराई ही कराई है, उसके सामने पास की पेरिफेरल की जितने भी ऑप्शंस आए हैं उन सब का मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, तो वो जाके आप देख सकते हो, पॉलिटी हो गया है। ऐसे ही आपके इन 18 सेट्स के सारे कुछ करा दिए गए हैं, आप जाके उन्हें देख लेना, बहुत बेनिफिशियल हैं ये 18 सेट्स, ठीक है। और करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता दूं, आपके मंथली डाइजेस्ट आते हैं कई सारे, किसी का भी आप मंथली डाइजेस्ट उठा लो, कौन कौन से मंथ के, तो नवंबर का नहीं, सबसे ज़्यादा नवंबर का आप कर लेना एक बार, ठीक है, बट ज़्यादा सबसे जो आपके लिए ज़रूरी होगा वो होगा दिसंबर का, जनवरी का और फरवरी का, ठीक है। इन तीन मंथ के आपको कर लेने हैं करंट अफेयर, जनवरी, फरवरी और आपका ये क्या है दिसंबर और नवंबर, इन चार मंथ के आप पहले कर लो आराम से, इसके बाद में आप क्या करेंगे अक्टूबर का फिर देख लेना लास्ट में, ठीक है, अक्टूबर का फिर आप लास्ट में देख लेना। इन पाँच मंथ के जब आप करंट अफेयर कर लोगे तो आपका करंट अफेयर कहीं ना कहीं से भी नहीं छूटेगा। और ये करना कहाँ से है, तो मैं इनकी भी कुछ पीडीएफ वगैरह अरेंज करने का कुछ करता हूँ, या फिर आपका हर मंथ का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वन लाइनर्स के रूप में वो मैं करा दूंगा, ठीक है। तो सीए का इससे ज़्यादा नहीं आएगा, स्टैटिक जीके का तो आपके जितने भी टॉपिक्स निकलते हैं ना उनके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लासेस चल रही हैं, आप उन्हें देखते जाओ और उससे आपका बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, वो ऐसी कोई ऑप्शन वाली क्लासेस नहीं चल रही हैं, वो श्वेता मैम जो हैं उन्होंने अच्छे खासे मार्क्स से जेपीओ को क्वालिफाई किया हुआ है, उनकी क्लास चल रही है जो कि थ्योरी से है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शन करा दिए चार लेके और एक दिन में आपको 15 क्वेश्चन करा के टॉपिक ख़त्म कर दिया, पूरा थ्योरी से क्वेश्चन है, पूरा जितनी भी थ्योरी बनती है उस टॉपिक की वो सारी थ्योरी कवर करवाई जा रही है विद पीडीएफ, सारी चीज़ें आप जाके वो देख लेना स्टैटिक जी के लिए, उससे ज़्यादा आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर टॉपिक उसमें कवर किया गया है, 50 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, और इन टॉपिक से ज़्यादा आपका नहीं जाएगा स्टैटिक जीके का, चाहे वो सीएचएसएल का एग्ज़ाम उठा लेना, चाहे सीजीएल का, चाहे एनटीपीसी का, चाहे किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री के लिए जैसे ये जो सब्जेक्ट है ना, मैं ये चीज़ें हटा देता हूँ बहुत ज़्यादा, देखें अब हिस्ट्री जैसे हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जैसे जो भी सब्जेक्ट है ना ये, बायोलॉजी हो गया और आपका इको हो गया, पॉलिटी हो गया, तो मैं ज़रा आपको बताता हूँ इनसे आजकल क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो क्या बन रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, और जैसे आपका इको मैंने लिखी दिया है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है।
अब ज़रा समझना, फिज़िक्स हो गया फिर आपका केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। अब ज़रा मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, इससे आपके कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं एंशेंट से, तो एंशेंट बेटा बहुत अच्छे से करके आप कर लेंगे, और लूसेंट की बुक से आप रेफ़र कर सकते हो, चाहे आप परिया कर लो, ठीक है। आप यहाँ पर दो बुक रेफ़र कर सकते हो, चाहे आप अरिहंत ले लो, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी बुक उठा लो, वहाँ से आप एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म कर डालो, और फ्रीडम फाइटिंग हुई है ना हमारी, जो स्ट्रगल हुआ है वो उस ख़त्म कर लो, और जो एंशियंट बुक्स हैं, एंशियंट जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको ऐसा मिलेगा कि ये वाली बुक किसने लिखी है, ये वाली बुक किसने लिखी है, और आपके कालिदास ने कौन सी बुक लिखी है किसके, और ना जो आपके फाउंडर्स हो गए, जैसे ये ना अब मैं जनरल अवेयरनेस में क्या करूँगा, एक अलग से वीडियो आपकी बना दी जाएगी श्वेता मैम, जो आपकी जनरल अवेयरनेस की बिल्कुल पता ही है आपको, उनसे ज़्यादा अच्छी जनरल अवेयरनेस मतलब कोई अच्छे समझा नहीं सकता इतना, तो उन वो आपके लिए क्या करेंगे, उनसे हम बोलते हैं कि वो आपके लिए टॉपिक वाइज बना दें एक लिस्ट, जिससे कि आपको वो टॉपिक पता चल जाए जो आपके अभी सीजीएल में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाएंगी, मैं आश्वेता मैम आपको कोई भी वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, जैसे कि हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री से आपका कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किंग्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, फाउंडर कौन था, इसका बेटा कौन था, उसका बेटा कौन था, किस टाइम से आ रहे हैं, नंद डायनेस्टी से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं या मगध एम्पायर से आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। इसके बाद में आपको ज्योग्राफी में क्या करना है, बता ज्योग्राफी में तो आपका स्टैटिक जीके आ रही है नॉर्मल सी, आपका ज्योग्राफी से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जा रहा है, सॉइल के टाइप्स हो गए, रॉक्स के टाइप्स हो गए, बस इनमें से एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं और ज़्यादा कुछ है नहीं। बायोलॉजी में आप सारे क्वेश्चन एक बार जब कर लोगे, देखो करना आपको इसमें भी वही है, 18 सेट्स ऑफ सीजीएल प्लस 25 सेट्स ऑफ सीएचएसएल, ये आपको करने ही पड़ेंगे, तभी आपको इन सारी चीज़ों की समझ पैदा हो पाएगी। तो यहाँ से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, आपको 18 सेट वो करने हैं और 25 सेट सीएचएसएल के। अब देखो बुक हम यहाँ पे कौन सी ले रहे हैं, लूसेंट और अरिहंत की, जिसमें आपको पॉलिटी के लिए अगर मैं बात करूँ, पॉलिटी के लिए आपको सबसे पहले पढ़ लेना है क्या, आर्टिकल्स पढ़ लेने सारे के सारे। मैंने आपको जो पॉलिटी के सेक्शंस कराए ना, जितने भी क्वेश्चन आए सीजीएल में, आपकी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी के, कहाँ से, आर्टिकल से, तो वो देख लेना, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके कवर हो चुके हैं पॉलिटी वाले प्लेलिस्ट में, आप जाके देखोगे ना जीके वाली में, तो पॉलिटी के सारे आर्टिकल मोस्टली सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, नहीं तो फिर एक वीडियो और आपकी आ जाएगी जिसमें आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं पॉलिटी के वो सारे कवर कर दूंगा, ठीक है। और रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो आपको इसमें डिस्कवरी ज़्यादा देख लेना, डिस्कवरी देख लेना, और इसमें आप केमिकल नेम्स देख लेना, पीरियोडिक सीरीज़ देख लेना, ये मैं आपके थोड़ा अलग से वीडियो बना दूंगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आते हैं। फिलहाल आपको करना क्या है, लूसेंट में से आपको हिस्ट्री के ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है एंशियंट वाली, बायोलॉजी के लिए आपको क्या पढ़ना है ना, इसमें फाइलम्स होते हैं ना, जो फाइलम्स हो गए, आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गई, ये टॉपिक पे आप ज़्यादा ध्यान दें, और बॉटनी को भी ना छोड़ें, बॉटनी से भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, जैसे फ्लावर का आपका फ्लावर के पोर्शंस हो गए, ये सारी चीज़ें होंगी, है ना, तो उनको कंप्लीट कर लेना। और इसके लिए मैं फिर आपको, इसके लिए ना बहुत ज़्यादा आपका डिस्क्रिप्शन में जाएगी वीडियो, तो वो अलग से आपकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है, हर टॉपिक को लेके। लेकिन आपको मेन काम करना है, आपको ये जनरल अवेयरनेस में पेपर्स आपको लगा लेने हैं, और लूसेंट या फिर आपका जो अरिहंत की बुक है, इसमें से आप क्या देख लेंगे, बायोलॉजी देख लेंगे और हिस्ट्री देख लेंगे, ठीक है, ये दो सेक्शन देख लेना, और पॉलिटी, लूसेंट से पॉलिटी देखना, ठीक है, पॉलिटी देखो तो लूसेंट से सबसे बढ़िया है, ठीक है। चलो ये सारी चीज़ें होंगी, हटाता हूँ, और करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, स्टैटिक जीके का आपका पोर्शन चल ही रहा है, करंट अफेयर आपको बस 4-5 महीने करने हैं, कौन से, अक्टूबर, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, ठीक है। इन 4 महीनों के 5 महीनों के आप पहले क्या करें, करंट अफेयर पूरे तैयार कर लेना, फिर आपको यहाँ से हम भी सेशन प्रोवाइड कर देंगे, जैसे आपका पेपर आएगा तो फिर इससे आपका यहाँ से सेक्शंस वो कवर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट बात कि आपको रेगुलरिटी रखनी है, डिसिप्लिन रखना है, बिल्कुल जैसे आपका, अब मैं बात करता हूँ कि आपको कितने क्या आवर्स जो है प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्या आवर्स देने हैं, आपका आवर्स का जो टाइम अलॉटमेंट होगा वो कैसा होगा, तो देखो जरा आवर्स मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो हमने आवर्स की बात की थी, तो देखो टाइम टेबल ऐसा रखो कि सुबह में आप क्या करो, जैसे आप सुबह उठते हो, लेट से आप सबसे पहले तो सुबह उठने की आदत डाल दो 5 AM की। अब जो लोग नहीं उठते हैं, मैंने आपका एक पोल भी कंडक्ट कराया था, मैंने देखा उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे उठते हैं 7 और 6 को, तो आप लोग अगर कर सकते हो तो 5 AM कर दो, नहीं तो 6 AM भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आजकल देख रहे हो ना, मतलब गर्मी के टाइम में तो आप 5 बजे तो उठ ही सकते हो ना, तो अगर आदत बदल लोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। खैर, आपको उठने के बाद में सबसे पहले करना है, आपने जो पिछले दिन वोकैब वगैरह करी है, जो भी चीज़ें याद करने ही करी हैं, वो सारा आप रिवाइज़ कर लो, वोकैब का सेक्शन हो गया, जीके का सेक्शन हो गया, ये सारे हम क्या करेंगे 2 आवर्स में, ठीक है, 6 to 8 या 5 to 7 जो भी है, ये हम इतने टाइम पीरियड में रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपका अगला स्लॉट आएगा, आपने लेट से 8 से लेके 9 में खाना पीना खाया, और इसके बाद में फ्रेश वगैरह हो जाओ, जो भी सारी चीज़ें हैं ये सारा कुछ कर लो, 8 to 9 कर लो, 10 कर लो, डजेंट मैटर, फिर आप बैठ जाओ 10 से लेके 4 तक बैठ जाओ, ठीक है।
इसके बीच में आप थोड़ा लंच के लिए उठ जाना तो आपका वो थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा। लंच के लिए आप उठ के बीच में 30 मिनट्स जो भी आपका लंच का टाइम हो वो कर लेना, 4:10 to 4 या 5 जो है आप बैठ जाओ। कितने आवर्स हो गए ये आपके, 6 आवर्स मैं मान लेता हूँ। बीच में लट से आपने 1 आवर में लंच कर लिया और थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, इन 6 आवर्स में आपको करनी है मैथमेटिक्स। बात समझ रहे हो, मैथमेटिक्स करनी है आपको, पूरे के पूरे 6 आवर्स मैथमेटिक्स पे दे देने हैं। आप इसमें CGL का पूरा पेपर करोगे मैथमेटिक्स का, क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में करोगे, उसका एनालिसिस कर लोगे मैथ का CGL के पेपर का, और इसके बाद उसमें आपको जो बेसिक नहीं आया वो बेसिक पढ़ लोगे नोटबुक से। तो ये 6 आवर्स आपको इसमें देने हैं, ठीक है। इसके बाद में आप 5 to 5:30 जो भी आपको करना है, ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, 5 to 5:30 आपको जो भी करना है कर लो। फिर आप 5:30 से बैठ जाओ, 5:30 से लेके आप 8:30 तक बैठ जाओगे, और इस टाइम पीरियड में आप क्या करोगे भाई, इस टाइम पीरियड में आप कवर करेंगे इंग्लिश को। बात समझ पा रहे हैं, इन 3 घंटे में आपको कुछ नहीं करना है, बस इंग्लिश में पढ़ना है। क्या, सबसे पहला आपने लगा लिया CGL का पेपर, दूसरी बात आपको कर लेनी है वोकैबुलरी, जो आपने वोकैबुलरी लिख के याद करनी है ना, जो आपको नहीं आया वो लिख लेना है पेपर से, ठीक है। तो वो सारा लिखने का काम कर लेना है। इसके बाद में जो मैंने आपको बताया रूल्स पढ़ने हैं, जो आपको प्लिंथ टू पैरामाउंट से एक एक चैप्टर कंप्लीट करने को बोला है ना मैंने, तो आपका 2 आवर्स अगर आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे ना, तो वो 2 आवर्स में या फिर 1:30 आवर में आपका एक चैप्टर हो जाएगा नीतू सिंह से। तो आपको ये 3 चीज़ें कर लेनी है यहाँ इन 3 घंटों में, ठीक है। फिर आप 8:30 को उठो, और आपको अगर यहाँ पे लंच डिनर का टाइमिंग जो भी हो मुझे नहीं पता, अगर डिनर की टाइमिंग आपको यहीं पे कहीं पे 30 मिनट्स अपने सेट कर लेने जो भी आपकी टाइमिंग हो, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये 9 PM से लेके आपको 9 PM से 12 PM का टाइम किस पे देना है, तो बताओ जरा किस पे दोगे 9 से 12 का टाइम। हाँ भाई, हाँ 9 से देखो क्या करना है आपको, रात में आप सोने से पहले या करो 9 to 10 तो आप रीजनिंग का सेट लगा लो पूरा एक CGL का, ठीक है, जो भी पेपर का टाइमिंग चल रहा है CGL CHSL आप पूरी वीडियो देख के, 20 मिनट्स की वीडियो है, आप उसे देख लोगे और अपने आप से प्रैक्टिस कर लोगे, जो जो समझ में नहीं है समझते जाओगे, 1 घंटे में आपका रीजनिंग का फिनिश हो जाएगा। और फिर बचा जो 10 से 12 का टाइम, इस टाइम पीरियड में आपको करना है GK। क्या करनी है GK, GK में भी क्या करना है आपको, सबसे पहले CGL का सेट लगाना है, पूरा सेट समझ लिया याद कर लिया उसकी चीज़ें आपने, 1 आवर में लिख लिया अपनी नोटबुक में। अब जो 1 आवर बचा है उसमें क्या करना है आपको, मैंने बताया था ना लूसेंट और एरियन से पढ़ना है, ठीक है, तो लूसेंट और अरिहंत से आपको इस बचे हुए 1 घंटे में पढ़ लेना है जो भी टॉपिक, आपको एक टॉपिक उठाना है। जैसे आपको कोई टॉपिक नहीं आया, यहाँ पे आपने देख लिया कि भी साउथ इंडियन किंगडम है, वो उठा के आपको लूसेंट और अरिहंत पढ़ लेके सुबह 5:30 या 5 या 6 AM को उठ के उन चीज़ों को फिर से रिवाइज करना है, और आपका ये रिपीट होता रहेगा। तो बच्चों ये होगा आपका टाइम टेबल, जितने भी आवर्स हो रहे हो देख लेना। देखो आवर्स मैटर नहीं करते, आप चाहे 5 घंटे पढ़ो चाहे 6 घंटे पढ़ो, लेकिन मैं जो प्रोडक्टिविटी बता रहा हूँ आपकी जिस हिसाब से मैंने बताई है उस हिसाब से पढ़ोगे तो आप CHSL क्या कोई भी एग्ज़ाम निकाल लोगे, CGL भी आप फोड़ के निकल जाओगे इस तरीके से, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो पढ़ते रहो, अभी 60-70 डेज हैं आराम से। और जैसा मैंने बताया सबसे बड़ी बात होती है, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन तो टाइम टेबल फॉलो कर लिया बहुत बढ़िया बिल्कुल, लेट से आपने 7 डेज भी कर लिया उसके बाद में आपने कहा अरे भाई फिर से मैं तो डीमोटिवेट हो गया, तो बेटा डीमोटिवेट नहीं होना है, रेगुलरिटी रखनी है, डिसिप्लिन रखना है। अब बात थी मोटिवेशन की हमारी, तो मैंने बोला था मोटिवेशन में मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊँगा। तो सुनो भाई, मैं आपको ना एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। अभी क्या हुआ है, रिसेंटली आप देख रहे हो ना कि माइग्रेशन हो रहा है, जो भी डेली वेज वर्कर्स हैं वो माइग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, माइग्रेशन हो रहा है, कोरोना वायरस का पैंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन है, उनके पास अभी कोई इनकम का सोर्स नहीं मिल पा रहा है। तो अभी ना रिसेंटली क्या हुआ, दिल्ली में एक बच्ची है, उसके फादर को थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है, वो रिक्शा पुलर है, उनके फादर का हो गया एक्सीडेंट, तो वो चल नहीं पा रहे हैं, और आप देख रहे हो कि वो जो भी डेली वेज वर्कर्स है वो साइकिल वगैरह से निकल जा रहे हैं रोड पर, सो दैट वो अपने घर पहुँच जाएँ, वहाँ पर जाके जो भी उनका खाने पीने का चीज़ें हैं वो अपनी अरेंज कर पाएँ, ठीक है, लिवलीहुड अपनी चला पाएँ। तो वो बच्ची अपने पापा से बोलती है कि हम भी घर चलते हैं, पैसा उनके पास बचा नहीं होता है, तो उनके फादर बोलते हैं कि हमारे बेटा हम कैसे जा पाएंगे, और मेरी अभी ऐसी सिचुएशन भी नहीं है कि मैं साइकिल चला पाऊँ, उनका पैर पूरा मतलब थोड़ा एक्सीडेंट से वो पैर से नहीं चला पाते हैं ठीक से, ठीक है, साइकिल वगैरह या रिक्शा पुलिंग करते थे वो तो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्ची वो साइकिल उठाती है, साइकिल लेने जाती है, उनके पास साइकिल नहीं होती है, वो साइकिल लेने जाती है, उनके पास टोटल 1,000 रुपीज़ होते हैं, वो बच्ची जाके साइकिल लेती है, 500 रुपीज़ में साइकिल लेती है, बोलती है 700 मैं आपको बाद में दे दूँगी, ठीक है, तो उसको वो 500 में साइकिल मिल जाती है। वो बच्ची 1200 ये देखो 1200 किलोमीटर्स को 7 डेज में पीछे अपने फादर को बैठा के उसके उनका कुछ जो भी सामान होता है वो लेके 1200 किलोमीटर साइकिलिंग करके वो अपने घर पहुँचती है साइकिलिंग करके। अब उसके पास ज़रा मुझे बताओ क्या मोटिवेशन था, क्या आपसे मतलब
क्या आपके पास क्या उससे कम फैसिलिटीज़ हैं उस बच्ची से, उसके पास क्या ही फैसिलिटी, उसके पास बस एक साइकिल है, सामने इतना बड़ा रोड पड़ा हुआ है, उसे नहीं पता कितनी, उसे तो डिस्टेंस भी नहीं पता है उस बच्ची को कि कितनी डिस्टेंस लगेगी, मुझे उसे जाना था बिहार में दरभंगा में, ठीक है। तो वहाँ तक वो बच्ची आती है अपने साइकिलिंग करते हुए, अपने फादर को बैठाते हुए, तो क्या हम इस चीज़ से हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता है, उसके पास क्या मोटिवेशन रहा होगा। हाँ भाई, अब यहाँ से ज़रा हम एक बात और करता हूँ आपसे, आप बोल रहे हो कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है सर, कुछ टाइम ही मतलब कुछ पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो मुझे एक बात बताओ, आपने कभी एथलीट देखा है, एथलीट्स जो होते हैं ओलंपिक्स होते हैं ना हमारे, उसमें वो कितने टाइम पीरियड में होते हैं पता है आपको, 4 ईयर्स के टाइम पीरियड में होते हैं कि नहीं होते हैं, आपका ओलंपिक भी नहीं हो पाएगा अभी लॉकडाउन की वजह से। तो जो एथलीट्स हैं क्या वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ देंगे? एक एथलीट अपनी 1-2 ईयर तक कॉन्टीन्यूसली प्रिपरेशन करता है, कॉन्टीन्यूसली क्या करता है वो एक्सरसाइज करता है, अपनी चीज़ों को स्किल को डेवलप करता रहता है, किस दिन के लिए, ताकि वो 1 मिनट की परफॉर्मेंस दे पाए। बात समझ रहे हो, आपसे तो बस 60-70 डेज पढ़ने को बोला जा रहा है, वो भी अपने जहाँ पे रूम पे हो वहाँ पे बैठ के आपसे बस एक चीज़ को रिवाइज करने को बोला जा रहा है। वो लोग तो वहाँ पे हर दिन अपनी प्रिपरेशन को इतना हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, किस 1 मिनट की प्रिपरेशन के लिए, बात समझ पा रहे हो। तो कुछ सीखना है हमें इन चीज़ों से, मोटिवेट रहना है, और मोटिवेशन ना बाहर से मत लिया करो, आप पढ़ने क्यों आए, आपने क्यों प्रिपरेशन क्यों शुरू करी, आप मुझे ये बताओ, क्या वो रीज़न आपका मोटिवेशन के लिए इनफ नहीं है क्या, जो इधर उधर मोटिवेशन खोजते हुए घूमते रहते हो, है भी? तो यही आपका मोटिवेशन है, जरा अपने पेरेंट्स को भी देख लिया करो, क्यों आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो चुका है, तो जैसा बताया है, टाइम टेबल बताया, जो चीज़ें बताई हैं उन्हें फॉलो करो, ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। तो यहीं पे मैं सेशन को ख़त्म करता हूँ, आई होप कि सबको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, और आपका जो सब्जेक्ट वाइज है ना, जैसे सब्जेक्ट वाइज आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बहुत एनालिसिस के बाद दिया हम लोगों ने ऑब्जर्व किए हैं, या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आते हैं, कुछ क्वेश्चन की सीरीज़ है, वो सारी आपको करवा दी जाएगी टाइम टू टाइम, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। और आपको अभी हर सब्जेक्ट का एनालिसिस करवा के मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, स्पेशली CHSL के लिए, ठीक है, तो वो भी आप देख लेना। थैंक यू सो मच, यहाँ पे हम सेशन को एंड करेंगे, एंड आई होप कि आप मेरी चीज़ों को समझ पाएंगे, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था अभी तक। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।